साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिनभर, मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने महायोगी गुरु गोरखनाथ का पूजा दर्शन कर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर टेका मत्था। चौरी चौरा विधानसभा में मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावितों में राहत सामग्री का किया वितरण। खजनी विधानसभा में मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावितों में राहत सामग्री का किया वितरण। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विधानसभा के बाल विहार लाल डिग्गी में बाढ़ प्रभावितों में किया राहत सामग्री का वितरण। सहजनवा विधानसभा में मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावितों में राहत सामग्री का किया वितरण। मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना को लेकर की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। योगीराज गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में संस्कृति और पर्यटन विभाग द्वारा दो दिवसीय रामायण कॉन्क्लेव का हुआ शुभारंभ। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ सहजनवा के विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्टीमर से किया निरीक्षण। एसडीएम सदर की अध्यक्षता में सकुशल संपन्न हुआ सदर तहसील समाधान दिवस, आए हुए फरियादियों का मौके पर ही किया गया निस्तारण। जनपद में तेजी के साथ नदियों के जलस्तर में वृद्धि, कई गांव बाढ़ से प्रभावित। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 56 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक पार्टी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई संपन्न, विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। डेंगू के रोकथाम पर एसआईटी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा जिला चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को डेंगू के प्रति किया जाए जागरूक। और तहसील परिसर में चार पहिया वाहनों पर आपात स्थिति के लिए रखी गई अतिरिक्त नाव।